हवेली का इतिहास। ध्रुव की गुफा छोड़कर अकेले हवेली आने से माई बहुत नाराज थी। माई ने ध्रुव को बहुत ही दबी आवाज में धमकी दी थी कि अगर तुमने ऐसी गलती दोबारा की तो अच्छा नहीं होगा। माई ने अपने शब्दों को पूरा नहीं किया और वहां से चली गई। तारा ने जब ध्रुव को पूछा कि क्या वहां पर तलाशी लेने गया था और वहां पर क्या था, तो ध्रुव ने कहा, बताता हूँ। इन दोनों की बात शायद अनन्या सुन चुकी थी। अनन्या ने कहा, क्या बताता हूँ, कहाँ गए थे तुम? तारा तुरंत बोली, अरे वो मैं इसे करण के लिए पूछ रही थी, अब वो पिकनिक के प्लान के बारे में कि क्या हुआ, ये गया था वहाँ या नहीं, तो वही कह रहा है, बताता हूँ। हाँ तो बताओ ना ध्रुव। अनन्या ने पिकनिक के बारे में सुना तो एक्साइटेड होते हुए बोली, हाँ सही कहा तूने तारा, बल्कि मैं खुद भी ये जानना चाहती थी, ध्रुव तुम्हारी बात हुई कुछ करण से और पूजा से भी? इतना कहकर अनन्या ने ध्रुव को कुछ इशारा किया, जो ध्रुव बहुत अच्छे से समझ चुका था। ध्रुव ने कहा, नहीं अभी तक तो कोई बात नहीं हुई है, बस मैं उसे कॉल करने वाला था, इतने में तुम लोग आ गए। ध्रुव इतना बोला ही था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। ध्रुव ने कॉल देखा और बोला, 100 साल जिएगा ये, अभी इसका नाम लिया और इसी का फोन आ गया। अनन्या बोली, करण है, एक काम करो जल्दी उठाओ और फोन स्पीकर पर करो। ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया और फोन उठाकर स्पीकर पर डाल दिया। ध्रुव के हेलो करने से पहले करण ने कहा, कहाँ हो भाई तुम लोग, कोई अता पता ही नहीं है तुम लोगों का, मुझे लगा कि तुम लोग घर जाओगे, आपस में बात करके मुझे कुछ इन्फॉर्म करोगे, लेकिन तुम लोग तो गायब ही हो गए, फोन नहीं कर पाए, कम से कम एक चक्कर ही लगा लेते, मिलना हो जाता हम लोगों का और बैठकर प्लानिंग भी हो जाती। एनीवे पिकनिक पर चलना है ना? ध्रुव के कुछ कहने से पहले अनन्या ने कहा, बिल्कुल चलना है, ये तो कल ही फाइनल हो गया था ना, और सारी तैयारी तो तुम करने वाले थे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जल्दी बताओ हम कब जा रहे हैं। अनन्या की इतनी उत्साहित आवाज को सुनकर करण हंसते हुए बोला, दैट्स द स्पिरिट, इसे कहते हैं एक्साइटमेंट, बाकी तो तुम सबके सब ना क्या ही बोलो। हाँ तो मैं अभी थोड़ी देर में अनन्या तुम्हारे घर के बाहर आ रहा हूँ, तुम लोग बाहर आ जाओ, वहीं मिलना हो जाएगा। अनन्या ने कहा, तुम ही अंदर आ जाओ ना। करण बोला, नहीं यार मैं अंदर नहीं आऊंगा, मैं जरा जल्दी में हूँ, तो तुम लोग बाहर आ जाओ तो हम वहीं मिलेंगे, और मैं तुम लोगों को सब कुछ बता भी दूंगा, टाइमिंग वगैरह भी, तो उस हिसाब से तुम लोग तैयारी कर लेना। ध्रुव बोला, ठीक है तुम पहुंच जाओ, हम बाहर ही तुम्हारा इंतजार करते हैं। ध्रुव ने जैसे ही कॉल कट किया, अनन्या ने एक्साइटेड होते हुए कहा, मतलब फाइनली वो टाइम आ गया जब हम पिकनिक पर जाने वाले हैं, मैं तो इतनी एक्साइटेड हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती, कितना टाइम हो गया नॉर्मल लाइफ जिए हुए, पाली क्या सोच कर गए थे और क्या से क्या हो गया, अब फाइनली जाकर कुछ अच्छा करने को मिलेगा, मतलब मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। तारा अनन्या के एक्साइटमेंट को देखकर हंसती हुई बोली, हाँ वो तुम्हारे चेहरे को देखकर और तुम्हारी हरकतों से पता चल रहा है कि तुम कितनी एक्साइटेड हो, बताने की जरूरत नहीं है। तभी माई ने अनन्या को आवाज लगाई और अनन्या बोली, मैं माई के पास जा रही हूँ, एक काम करो तुम लोग जाकर करण से बात कर लो, और जो भी हो मुझे बता देना, मुझे अपनी पैकिंग भी तो करनी है। और ध्रुव ने कहा, अनन्या हम सिर्फ एक रात के लिए जा रहे हैं, पैकिंग क्या करनी है तुम्हें, कौन सा अपना लगेज लेकर जाना है। अनन्या बोली, कैसी बातें कर रहे हो, एक रात के लिए जाना है तो मैं जो कपड़े पहन कर जाऊंगी वो पहन के ही रह जाऊंगी क्या? नहीं ना, मुझे अपना नाइट ड्रेस ले जाना पड़ेगा, फिर अपना नाइट स्किन केयर रूटीन का पूरा किट लेकर जाना पड़ेगा, फिर हम रात में जहाँ भी रुकेंगे वहाँ मच्छर और बाकी चीजें होंगी, तो हमें मॉस्किटो से सेफ्टी के लिए भी तो कुछ चीजें लेकर जानी पड़ेंगी। और हाँ, अनन्या ने बोला ही था कि कमरे से निकलता हुआ विक्की जोर से बोला, बस 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 हो गई तुम्हारी लिस्ट, बहुत सुन लिया, तू एक काम कर, जब तक ये लोग जा रहे हैं करण से बात करने, तू अपना 2-3 बैग सामान भर ले, तुझे जो भी भरना है, जो भी कूड़ा कबाड़ा उठाना है उठा ले, वैसे भी हमने जिंदगी में तेरे लगेज ढोने के अलावा और कोई काम तो किया नहीं है, अभी एक रात के लिए पिकनिक जाना है, उसमें भी हम तेरे कुली ही बने रहेंगे, तो तू जा अपना सामान पैक कर। तुम्हें एक मजेदार बात बताऊं तारा, जब हम पहली बार पाली में फंसे थे और वहां से भागने का प्लान बनाया था और हम भाग भी गए थे, पर वहां भी अनन्या ने अपनी हरकतों की वजह से अपना सारा सामान बैग में भर लिया था और वो सामान लेकर हमें भागना पड़ा था, एक चीज नहीं छोड़ी थी इस लड़की ने, और उसके सामान के चक्कर में हम अटक गए थे। तारा ने अपना सिर पीट लिया और अनन्या बोली, हाँ तो मैं ले ही जाऊंगी, मेरी चीजें इतनी एक्सपेंसिव है, इन्हें थोड़ी छोड़ दूंगी। ध्रुव इन लोगों से बोला, तुम लोग बातें करो, मैं करण का वेट करता हूँ, हो सकता है वो आ भी गया हो। इतना कहकर ध्रुव बाहर निकल गया। विक्की और अनन्या अभी भी आपस में उलझे पड़े थे, तभी माई ने दोबारा आवाज लगाई और अनन्या बोली, तेरे चक्कर में मैं भूली गई थी कि माई ने मुझे बुलाया था, मैं जा रही हूँ माई से मिलने और फिर मैं अपना सामान पैक करूंगी, और सारा सामान तुझे ढोना पड़ेगा अकेले, तूने मेरा बहुत वक्त बर्बाद किया है। अनन्या के जाने के बाद विक्की तारा की तरफ देखता हुआ बोला, तुम्हें भी अपना सामान पैक करना होगा, तुम भी कर लो। तारा बोली, मुझे नहीं पैक करना कोई सामान, एक रात के लिए जा रहे हैं, किसी सामान की रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे,
विकी ने तारा को मस्का लगाते हुए कहा, हाँ वैसे भी तुम्हें नाइट क्रीम, डे क्रीम, स्किन रूटीन केयर, इन सब चीजों की जरूरत थोड़ी है। तुम तो वैसे ही इतनी सुंदर हो, तुम तो चार दिन भी ना नहाओ तो किसी को पता ना चले, तुम हमेशा इतनी फ्रेश लगती हो। विकी की इस बात पर तारा मुंह बनाकर बोली, वाओ विकी, तुम्हारे शानदार तारीफ के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं डेली नहाती हूँ। तुम्हारी तरह मुझे चार दिन में एक बार नहाने की आदत नहीं है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर तारा भी वहां से चली गई और विकी ने कहा, बताओ, तारीफ करने की कोशिश करो, उसमें भी कुछ ना कुछ गलती निकाल ले रही है, क्या करूं, कैसे मनाऊं इसे। हाँ, उस पूजा की वजह से तारा भड़की है ना, अब उस पूजा के सामने ही कुछ ऐसा रोमांटिक करूंगा कि तारा को यकीन हो जाएगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ तारा में इंटरेस्ट है, ना कि किसी और में, और ना ही मुझे किसी और से कोई लेना देना है। इधर ध्रुव गेट के बाहर निकलकर करण का इंतजार कर ही रहा था कि कुछ ही देर में करण आता दिखा। करण ने अपनी बाइक रोकी और उतरकर ध्रुव के गले लग गया और फिर अनन्या के घर पर नजर डालता हुआ बोला, तुम लोगों को ऐसी अजीब जगह रुकने की क्या जरूरत आन पड़ी? मतलब अनन्या का घर है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रुक सकती थी, तुम लोग किसी होटल में रह सकते थे, या मुझे पहले ही बता दिया होता तो मैं अपने यहाँ तुम्हारे रुकने का अरेंजमेंट कर देता, बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम लोग अभी भी मेरे साथ चलो। ध्रुव ने कहा, नहीं अजीब नहीं है, हाँ कुछ पुराना है, मेंटेनेंस की कमी की वजह से ऐसा हो गया, बट अच्छी जगह है, काफी स्पेशियस है, और वैसे भी अनन्या के साथ हम यहाँ आए हैं और कहीं और रुके तो अच्छा नहीं लगता ना। हाँ वो तो है, लेकिन बात यह है ना कि जब से मैं यहाँ आया हूँ ना तो इस जगह को लेकर काफी सारी चीजें सुनी है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। पिकनिक की बात तो मैं फोन पर भी कह सकता था, लेकिन यही कहने के लिए मैं स्पेशली यहाँ तक आया था, और अनन्या नहीं है तुम्हारे साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ, वरना अनन्या के सामने ठीक नहीं लगता ना ये बात कहना। एक बार फिर कोई ऐसा मिला था जो घर के बारे में कुछ अजीब बात कर रहा था, और ध्रुव ने कहा, क्यों, ऐसी भी क्या बात है? करण ने कहा, देखो बहुत ज्यादा कुछ तो मैं भी नहीं जानता, और देखो मैं ये नहीं कहता कि मैं इन चीजों पर बिलीव करता हूँ, लेकिन जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, जब से मेरे प्लांट का काम शुरू हुआ है, तब से एक दो बार मैं यहाँ से गुजरा हूँ अपने स्टाफ के साथ, तो देखा इतनी बड़ी हवेली और इस कंडीशन में है, तो मेरे मन में यूं ही सवाल आया और मैंने पूछा कि मतलब ये ऐसा क्यों है, यहाँ कोई रहता है या नहीं रहता है। इस तरह से तो मेरे जो स्टाफ, उनमें से एक ने बताया कि यहाँ के लोग इस जगह को मनहूस मानते हैं, बल्कि यहाँ तो कोई आना जाना भी पसंद नहीं करता, मजबूरी में भी यहाँ कोई नहीं आता। ध्रुव ने पूछा, और ऐसा क्यों है, ये पता है इसके बारे में कुछ तुम्हें? मेरा मतलब है तुम इस गांव के हो और काफी वक्त से हो, कुछ ना कुछ तो जरूर सुना होगा ना तुमने इस जगह के बारे में। करण बोला, बहुत कुछ तो नहीं है मुझे इस जगह के बारे में, पर यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग हैं वही कुछ बता पाए तो बता पाए। मैंने इतना जरूर सुना है कि ये जो हवेली है ना, जिसे हम हवेली कहते हैं, ये महल हुआ करता था, इसका इतिहास हजारों साल पुराना है। कहते हैं कि यहाँ के महाराज ने अपने परिवार के साथ आत्महत्या कर ली, लेकिन ये सिर्फ एक सोची हुई मनगढ़ंत बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि हुआ दरअसल ये था कि महाराज और उनका परिवार रातों रात गायब हो गए थे, वो कहाँ गए कोई नहीं जानता, और उसके बाद ये भी कहते हैं कि हवेली में जितने नौकर चाकर हुआ करते थे वो भी सब गायब हो जाते थे, कहाँ जाते थे पता नहीं, और ये अनन्या का जो परिवार है ये लोग महाराज जी के खास सेवकों में हुआ करते थे, तो जब महाराज और उनका पूरा खानदान गायब हो गया और कोई नहीं आया तो इस जगह पर अपना हक जताने लगे, और ये अनन्या के पूर्वजों का हो गया, और वही लोग यहाँ के मालिक बनकर रह गए, कुछ ऐसा ही सुनने में आया है। ये सुनकर ध्रुव बोला, इसके बारे में और अगर कुछ ज्यादा जानना हो तो किनसे मिलना होगा? करण ने कहा, मैंने कहा था कि मुझे तो कुछ ज्यादा नहीं पता है, हाँ यहाँ के बड़े बुजुर्ग जो है वो कुछ बता पाएंगे, लेकिन यहाँ गिरपुर में एक लाइब्रेरी है, मेरा लॉन्ड्री का प्लांट जहाँ है उससे आगे, बहुत पुरानी जगह है, हिस्टोरिकल टाइप, मतलब कोई छोटा सा कमरा सा है, कहते हैं कि वो जगह भी उतनी ही पुरानी है जितनी ये हवेली, लेकिन बाद में उसको बदल कर लाइब्रेरी बना दी गई। उस जगह पर यहाँ के जो महाराज थे वो शांति में एकांत में ज्ञान अर्जित करते थे या पढ़ने जाते थे, तो इसीलिए उस जगह को प्रॉपर लाइब्रेरी बना दिया गया, जिसमें यहाँ और आसपास की जगह के इतिहास के बारे में काफी कुछ जानकारी इकट्ठी रखी गई है, तो हो सकता है इस जगह के बारे में वहां से कुछ मालूम चल सके। और फिर करण तुरंत बोला, लेकिन तुम्हें इतना कुछ क्यों करना है? मतलब मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, हम दोस्त भी हैं तो अच्छा टाइम साथ में स्पेंड करेंगे, वरना हम लोगों को क्या करना यहाँ के बारे में छानबीन करके, वैसे भी तुम जिस काम के लिए आए हो कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा और तुम यहाँ से चले जाओगे, तो बेमतलब क्यों इतना दिमाग लगाओ। और ध्रुव सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया और बोला, ये सब तो हम बाद में भी सोच लेंगे, अभी तुम ये बताओ कि पिकनिक का क्या फाइनल किया है? अनन्या बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और उसे पेशेंस नहीं हो रहा है कि अब वो कब पिकनिक पर जाए। करण हंसता हुआ बोला, हाँ बिल्कुल सारी तैयारियां हो चुकी है, तुम लोग बोलो तो हम आज ही चलते हैं या नहीं तो कल चलते हैं, जैसा भी कहो। ध्रुव कुछ सोचता हुआ बोला, आज तो नहीं,
हम एक काम करते हैं, कल चलेंगे, आज मुझे कुछ जरूरी काम है, सोच रहा हूँ उसे खत्म कर लूं। करण हंसता हुआ बोला, यहाँ पर तुम्हें कौन सा जरूरी काम है भाई? ध्रुव ने कहा, मेरा मतलब है कुछ रिसर्च वर्क है तो आज कंप्लीट कर लेता हूँ, इसलिए कल चलते हैं। करण बोला, रिसर्च वर्क? वैसे हमारी इतनी बात हुई थी लेकिन मैंने तुमसे पूछा नहीं कि तुम आजकल कर क्या रहे हो, कॉलेज के बाद तुमने करियर में क्या सोचा? ध्रुव बोला, कह सकते हो रिसर्च और ट्रेवलिंग का ही वर्क है मेरा। करण ने कहा, भाई काफी मजेदार लगता है सुनने में, चलो ठीक है, तो जो भी तुम्हारा काम है उसे तुम कर लो और मुझे कॉल कर दो, कल का प्लान करते हैं। ध्रुव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और करण वहां से चला गया। करण को जाते देख ध्रुव पीछे से बोला, और मेरा आज का रिसर्च वर्क यह है कि उस लाइब्रेरी में जाकर मुझे कुछ रिसर्च करना है, आखिर पता तो चले इस हवेली का इतिहास क्या है, क्योंकि जो मिलता है वही उसके बारे में कुछ ना कुछ कह रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस हवेली के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो जानने जैसा है, वहीं से कोई नई कड़ी मिलेगी।